हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अमूजा सीमेंट कंपनी के जो खदान है उसको मैं आज आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले क्या थे और अब क्या है, ये खदान कब बना, क्यों बना और कैसे बना, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस खदान से पहले क्या थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी पत्थर कैसे टूटती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सब चीज मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको बस ये वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक आप दिख रहा होगा खदान, ये जो देख रहे हैं ये अमूजा सीमेंट प्लांट का खदान है। खदान की जरूरत इसलिए पड़ती है प्लांट कंपनियों के, क्योंकि खदान सीमेंट बनाने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है, तो पत्थर हमें कैसे मिलेगा, तो हमें उसके लिए खदान बनाने पड़ता है। उस खदान को पत्थरों को जो पत्थरों को तोड़ के उसके बाद उस खदान को फिर पत्थर को ले जाया जाता है। तो चलिए मैं आपको और ये दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, एक खदान आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। तो ये खदान जो है जो ना 18 से 20 साल लगभग हो गया होगा इस काम यहाँ चालू किए हुए, तो ये खदान 18 से 20 साल हो गया इस खदान को चालू किए हुए। इससे पहले एक और खदान है जो 1985 में ही चालू कर दिया गया था, लेकिन अब उस खदान को बंद कर दिया है, अब इस खदान में काम चलता है। देखिए आपको मैं काम देख रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ से कैसे जेसीबी पत्थर को लोड कर रहे हैं, लोड करके उसके बाद इसको एक गाड़ी में आता है, गाड़ी और गाड़ी में फिर भर के इसको फिर सीमेंट इस रास्ते के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, रास्ते इस रास्ते दिख रहा होगा आपको, इस रास्ते के द्वारा देखिए आपको रास्ता दिखा रहा हूँ मैं, और थोड़ा नजदीक जाओ और आपको नजदीक दिखाता हूँ कि इस रास्ते के द्वारा ये कंपनियों को कंपनी तरफ ले जाया जाता है। ये देखिए आपको रास्ता दिख रहा होगा, इस वो एक पुल दिख रहा है, ये पुल के ऊपर ऐसे ब्लोदर से भाटापारा जाने का एक रास्ता है, उससे नीचे से ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इसके नीचे से ट्रक को ले जाया जाता है। यहाँ पर एक और काम हो रहा है इस तरफ आपको, तो और इधर दिखाता हूँ इधर वाला, इस तरफ देखिए, इस तरफ आपको एक काम हो रहा है, देखिए देखिए जेसीबी से ट्रक में भर रहे हैं। और यहाँ के ट्रक है वो ऐसा ऐसा वाला ट्रक नहीं होता कि जहाँ सभी लोग आदमी बैठ जाए, एक व्यक्ति बैठ के उस ट्रक को चलाते हैं और ट्रक को फिर यहाँ से इस रास्ते के द्वारा ले जाया जाता है और उधर से फिर खाली होके ले जाया जाता है। चलिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये रहा आपको ये, यहाँ पर देखिए ट्रक खदान तो है भाई, खदान में तो खनते खनते तो पानी निकलेगा, तो इस खदान के द्वारा देखिए पानी निकल रहा है, तो आप अगर पानी को अगर यूज ना किया जाएगा तो ये पानी खदान में पानी पूरा भर जाएगा, तो पत्थर कैसे निकलेगा, पूरा सभी जगह ये खदान में पानी होने जाएगा, इसलिए इस खदान को पानी के लिए इसका भी यूज किया जाता है। प्लांट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, बिजली, और बिजली हम गवर्नमेंट के द्वारा लेंगे तो उसके अच्छा ये पानी को पानी से ही बिजली खुद बनाता है अमूजा सीमेंट प्लांट। देखिए यहाँ पर पाइप होगा, ये देखिए पाइप दिख रहा है, ये रहा इस, ये देखिए ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा ये अमूजा सीमेंट प्लांट में जाता है और वहाँ से बिजली खुद बनाता है अमूजा सीमेंट प्लांट, और कॉलोनियों में भी दिया जाता है और स्कूलों में भी दिया जाता है अमूजा सीमेंट प्लांट। चलिए मैं आपको थोड़ा और नजदीक जाके मैं दिखाता हूँ, नजदीक जाने का अलाव नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा नजदीक नहीं जाऊंगा, हल्का नजदीक जाके आपको मैं दिखाता हूँ मैं इस एरिया को। ये देखिए यहाँ पर भी दो प्रकार के पत्थरे होते हैं, एक पत्थर जो चूना पत्थर होता है जो अमूजा सीमेंट बनाने के लिए काम देता है, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है, और एक जो होता है जो यूज नहीं करते उसको इसी तरह एक छोटा पहाड़ी बना दिया जाता है, पत्थर पर पत्थर रख के छोटा सा पहाड़ी बना दिया जाता है, जिस पहाड़ी पर मैं भी खड़ा, देखिए आपको काम हो रहा है जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कितना अच्छा लगता है इसको देखने में, बहुत नजारा इसका अच्छा लग रहा है, ये तो आपके मोबाइल में उतना दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, इसको जब सामने देखो तो फैंटास्टिक आपको दिखेगा, ये जो देख रहे हैं आप देखिए कितना अच्छा काम यहाँ पर देखिए हो रहा है, यहाँ पर कितना अच्छा पत्थर है, और ये जो पत्थर जो टूटता है ये 2 बजे एक बारू भंडार यहाँ पास है, एक थोड़ा बहुत दूर में है, थोड़ा सा दूर में रखे है, बारू भंडार से यहाँ पर 2 बजे एक ब्लास्टिंग होती है, उससे ये पत्थर सब टूटती है, सब टूटने के बाद जेसीबी के द्वारा इसको उठा के फिर इसको ट्रक में भरे जाते हैं। ये करीबन 0.5 किलोमीटर बोल सकते हैं या फिर 1 किलोमीटर लगभग इसका जो प्रभाव जाता है, जो बारूद भंडार जो टूटता है, तो टूटने के बाद इसको इस टाइम टूटते है उस टाइम सभी लोग यहाँ पर से कामे वर्कर सब हट जाते हैं, यहाँ पर बोले पत्थर भाई कहीं भी टूट के कहीं भी किसी पर गिर सकता है, किसी को दुर्घटना हो सकती है इस कारण, और यहाँ पर जो अगल बगल पड़ोस में जो क्या बोलते हैं घरे हैं वो सब घरों में पर भी दीवार दरार पड़ जाता है और उसका प्रभाव देखा जाता है, पड़ता है डेली डेली यही होता है यहाँ पर का।
ये देखिए आपको पत्थरे और तालाब दिख रहे हैं, मैं आपको स्लो मोशन में थोड़ा आराम से दिखाता हूँ। ये देखिए इस जगह को मैं गूगल मैप के द्वारा आप भी देख सकते हैं, यूट्यूब में मैं गूगल मैप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप इस जगह को यूट्यूब के द्वारा भी देख सकते हैं। दूसरे खदान चालू किया जाता है, ये भी खदान बहुत अब गड्ढा हो गया, लगता है अभी कुछ सालों के बाद ये भी बंद हो जाएगा, दूसरा खदान बनेगा क्योंकि लिए लिमिट रहती है इस खदान को खदने की। पनियों के द्वारा एक या दो गार्ड लगाए जाते हैं जो यहाँ पर जगह का देखभाल करते हैं। वो एक घर दिख रहा है, वहीं पर गार्ड लोग रहते हैं। यहाँ चारों ओर कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पर से देखते रहते हो कैमरा के द्वारा। ये देखिए, ये है अमुजा सीमेंट प्लांट जहाँ पर इस पत्थर को ले जाया जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे में पहाड़ था पहले, बट इसको अभी गड्ढा खन लिया गया है क्योंकि लिए बरसात का टाइम आ गया सीजन, तो इसकी मिट्टी कट के नीचे चले जाएगी, कुछ दुर्घटना हो जाएगी, इसी वजह से इसको पहाड़ों को थोड़ा काट रहे हैं। अलग अलग ऊंचाइयों पर चढ़ के आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर पहले खेत मैदान था, बट अब मैदान ना रहा, देख ही रहे हैं आप यहाँ पर पूरा खदान बन गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं आपको इसी तरह आपको वीडियो दिखाते रहूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।